आप लोगों को हमारे नेशनल हाई स्कूल की ओर से चल रहे ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर देखो सो 10th बच्चों के लिए मैंने कल मेरा बचपन पार्ट को खत्म किया था। अब्दुल कलाम जी के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारे विषय आप लोगों को बताया और उसी के साथ मैंने आप लोगों को घर का भी दिया। तो मैं समझती हूँ आप लोगों ने आप लोगों का होमवर्क कर दिया। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नया पार्ट बसंत की सच्चाई के लोग। बसंत की सच्चाई एक ऐसी एकांकी है। एकांकी माने स्टेज पर चलने वाला एक ही स्टेज पर पर्दे को माने अलग अलग दृश्यों वाले पर्दे को डालते हुए एक कहानी एक छोटा सा नाटक माने कॉन्वर्सेशन वार्तालाप एक दूसरे के साथ बातचीत करना। लेकिन सिचुएशन की हिसाब से पीछे पर्दे गिरते रहते हैं और सिचुएशन होने पर उस पर्दे को उठाया जाता है। पर्दा गिराना पर्दा उठाना लेकिन स्टेज एक ही रहता है। हर एक सिचुएशन के हिसाब से वहां पर माने जगह के हिसाब से वहां पर पर्दों को गिराया जाता है जिसे एकांकी कहते हैं। सो और इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी सो विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में 1912 में हुआ। 1912 मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर के मीरापुर। सो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में 1912 में नगर हुआ। सो इनके बारे में आपको बताएंगे तो ये तो देखो यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में से विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। यथार्थ चित्रण माने वो किसी भी सिचुएशन को अपने साथ में पकड़ा हो। यथार्थ कवि प्रेमचंद जी भी यथार्थ कवि थे। कश्मीरी से पाठ करते मैंने बताया कि कश्मीरी से गए कश्मीरी से पाठ के लेखक है प्रेमचंद जी वो भी एक यथार्थवादी कवि थे। विष्णु प्रभाकर जी भी यथार्थवादी ही कवि थे। सो यथार्थवादी माने वहां पर लिखते वक्त किसी आमिष में माने आकांक्षा में नहीं पढ़ते हुए जैसा है वैसा ही लिखने वाले। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है मीरापुर में हुआ 1912। पंजाब में शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। इसके बाद सो एक आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहां का त्याग कर दिया और वे स्वतंत्र साहित्य के रूप में जीवन व्यापन करने लगे। जीवन व्यापन करने लगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है वो लिखी हूँ। उनके जीवन के बारे में हमें उतने गहराई से जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो उतनी जरूरी नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट यहाँ पर लिखी हूँ उनका जन्म और उनकी रचनाएं। उनकी रचनाओं में आती है आवारा मुस्कान तट के बंधन। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं जो आप लोग ग्रेस करें माने आप लोग को लिखने में वर्तनी में कोई डिफिकल्ट वर्ड्स ना आए। सो इसलिए आवारा मुस्कान और तट का बंधन का रचना है। सो उसके बाद ये गांधीवादी लेखक माने जाते थे और ये मानवीय संवेदना का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावात्मक चित्रण उनके एकांकियों का विश्लेषण था। सो यहाँ पर देखो मनोवैज्ञानिक धरातल ये सो बच्चों की और बड़ों उनकी मनोवैज्ञानिक रूप से एक विज्ञानी की रूप से माने साइकोलॉजिस्ट के रूप में ये बच्चों को परख करते लोगों को परख करते और उनकी भावनात्मक चित्रण प्रामाणिकता के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। सो इस
वाला कौन है, क्या पर्सन, वरी लड़का, सो एक वरी लड़का पसंद, इसका इसी के नाम से ये एक अंक की पसंद की सच्चाई। तो यहाँ पर पसंद एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसमें, सो एक गरीब लड़का है बसंत। और उसके बाद बस पता पता बसंत ना छोटा भाई भी, छोटा भाई। और उसके बाद पंडित राजकिशोर जी वो एक नेता है, मजदूरों के नेता। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ पांच कैरेक्टर्स को माने पात्रों को हम देखेंगे, बसंत के गरीब लड़का है, प्रताप बसंत का छोटा भाई, और उसके बाद पंडित राजकिशोर जी मजदूरों के नेता है, और डॉक्टर, और डॉक्टर के साथ राजकिशोर जी के घर में काम करने वाला एक अमासिंह, उसके बाद राह चलने वाले दो व्यक्ति। सो राह चलने वाले दो व्यक्ति, तो देखो यहाँ पर मैं एक दो तीन चार पांच या छह लोगों से ये एक अंकी बना हुआ, सिर्फ पांच लोगों से ये नाटक कंप्लीट, एक अंकी कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पर पांच लोगों के जरिए होने वाली एक अंकी मन को कितना टटोलता है, मन को कितना हमारे, वो ये कहानी कैसी है, कभी कभी तो हमारे आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि ये अनाथ बच्चों की बच्चा है, बसंत एक अनाथ बच्चा है, उसकी एक कहानी है। सो वो लड़का 12 साल का उम्र है उसका, 11 या 12 साल का। सो हमारे जिंदगी में 12 या 11 या 12 साल का बच्चा माने छोटा सा बच्चा, माँ बाप उसे खिलाते हैं पिलाते हैं गोद में बिठाते हैं, उसकी जरूरतों को पूरी करते हैं, उससे प्यार देते हैं, लाड़ करते हैं। सो उसको ऐसा एक घर में नन्हा मुन्ना बच्चा आते हैं, लेकिन यहाँ पर बसंत एक ऐसा लड़का है जो जिम्मेदारी से जीने वाला, एक गरीब अनाथ जिम्मेदार लड़का कह सकते हैं बसंत। तो यहाँ पर मैं पहला दृश्य मैंने सिचुएशन, पहला सिचुएशन को दृश्य वहां पर होता है, स्टेशन पर सुविधा अनुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य, स्टेज पर है क्या बता रखिए, एक बड़ा बाजार, वो भी उसका बड़ा बाजार ऐसे दर्शा का हुआ एक चित्र मैंने पर्दा, आने जाने लेने देने का शो, फेरों वाले की पुकार, फेरी वालों का पुकार, फेरी वाले मैंने इधर उधर बैठकर ये लो कहते हैं ना, फेरी वालों की पुकार, उन्हीं के बीच में एक लड़का, वैसे ही फेरे वालों के बीच में एक छोटा सा लड़का, नंगे पैर फटे कपड़े पहने हाथ में सामान संभाले वाता हुआ आता है, उसी बाजार में उन्हीं लोगों के बीच में ये छोटा सा बालक अपने हाथ में, अपने नन्हे नन्हे हाथों में छोटे छोटे चीजों को बटोरता हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे चीज उसके हाथ में, एक गिरता है, एक उठता है, लोग धक्के मारते हैं, लोग उसे खींचते हैं, लेकिन फिर भी हाथ में सामान को संभालते हुए, कोई भी सामान ना गिरे, कोई भी सामान ना गिरे ऐसा, हाँ उस सामान को बटोरता हुआ संभालता हुआ भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है, उसका नाम बसंत है, वह पुकार का नाम है, उसका नाम बसंत है और उसकी आयु है 12 साल। तो यहाँ पर मैं बसंत की एक होलिया में आपको बता रही हूँ, एक छोटा सा 12 साल का बच्चा, नंगे पैर फटे कपड़े और उसके हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे सामान, छोटे छोटे, और उन नन्हे नन्हे हाथों से उन सामान को बढ़ाता हुआ, उन सामान को संभालता हुआ, लोग उसे बाजार में मैंने आपको कहे कितने लोग धक्का देते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में सामान को बताकर चिल्ला रहा है, पुकार रहा है लोगों को। तो ऐसा बसंत का जो बाह्य रूप है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इस पाठ के लेखक इसकी विधा बसंत की सच्चाई पाठ की विधा है एक आंकी आत्मकथा, एक सॉरी मेरा बचपन एक आत्मकथा है, कश्मीरी से कहानी, वैसे ही हर एक प्रण की एक विधा होती है, बसंत की सच्चाई एक आंकी है, इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश मिर्जापुर मीरापुर में हुआ, सो 1912 में। इनकी रचना है आवारा मसीहा तटके बंधन आदि। इस पाठ का आशय प्रामाणिकता से जीना और इसके साथ इस एकांकी गाने वाले पात्रों का परिचय। सो आज मैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया ऐसा सोचते हुए इस वीडियो को आज मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। सो यहाँ पर रोकती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग प्रभाकर जी के, विष्णु प्रभाकर जी के बारे में दो तीन से
विषय संग्रहित करके एक लेखनी लिखो। शायद आप लोगों ने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो उसे आज आप लोग कंप्लीट कर लो, एक व्यक्ति परिचय के रूप में उसे लिखो। तो आज के लिए बस इतना। आई थिंक आप लोगों को